कितना फेरा 6 महीने हो गए थे हमने क्यू एन ए वीडियो बनाई नहीं थी। और क्यू एन ए वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें ना कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो बातें दूसरी वीडियोस में नहीं निकल सकती। बाकी ये शुरू शुरू हो रही है, उनका ध्यान नहीं देना आपा। इतने मेरा ब्रो बैठा है, उन्होंने जुकाम होया होया। चलो शुरुआत करिए, सरी से दहेज में क्या मांगोगे? अच्छा कनेडा का वीजा। पहला, हर्ष देशमुख ड्रीम हॉलिडे डेस्टिनेशन, भाई लास वेगास। मैंने लास वेगास का सपना 2009 में देखा हुआ है, जब मैं गोल्ड कोस्ट गया था। सो गोल्ड कोस्ट इज लाइक अ ऑस्ट्रेलियन लास वेगास, लेकिन अमेरिका वाले लास वेगास, ड्रीम हॉलिडे डेस्टिनेशन, वो भी लड़के लड़के, ठीक है ना। दूसरा, सेलिब्रिटी क्रश, सेलिब्रिटी क्रश जो आजकल सभी लड़कों के चल रही है, लेटेस्ट सारा अली खान। तीसरा, मोस्ट एम्बेसिंग मोमेंट इन यूट्यूबर लाइफ, मोस्ट एम्बेसिंग मोमेंट इन यूट्यूब जो मुझे अभी लेटेस्ट याद आ रही है, वो याद आ रही है जब मैं अभिनव महाजन भाई को मिला था। उनके साथ क्या हुआ, जब मैं उनको दिल्ली मिलने के लिए गया एंड पहली बार मिला, हम बातों में इतने ज़्यादा मगन हो गए। कोल्ड कॉफ़ी आई और मैंने देखा ही नहीं, कोल्ड कॉफ़ी को मिक्स करने के लिए वो स्टिरर होता है ना, मैंने देखा ही नहीं वो स्टिरर है, मुझे लगा कि वो पाइप है, मैंने उठा के वैसे ही मुंह में डाल दी। सो दैट वॉज अ मोस्ट नॉट मोस्ट एम्बेसिंग मोमेंट, जो अभी लेटेस्ट हुई है वो। नेक्स्ट, सोनू अंबरसरिया, भाई वो वाली बात बताओ, एक रात हवालात वाली। भाई एक रात हवालात वाली कोई बात नहीं है, मैंने पूरी रात हवालात में नहीं बताई है। हाँ ये है कि एक सीन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि वो मैंने अपने व्लॉग चैनल पे भी बताया, वो क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में फंक्शन होता है जिसमें पूरा एक फेट होता था, जिसमें हम उसमें क्या होता था कि सारे स्टूडेंट जाते हुए थे और वो फिरोजपुर का एक काफ़ी बड़ा उसको एक फंक्शन माना जाता था। मैं स्कूल छोड़ चुका था, मैं उस वक्त चंडीगढ़ में आइल्स कर रहा था, तो मैं तो ये एक्स स्टूडेंट बन गया और मैं पूरा तैयार शहर होके गया एंड वहाँ पे जाके एक्स स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं हो रही थी। वहाँ पे एएसए ही खड़ा था स्कूल के गेट के आगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और पीछे खड़ी थी क्लास की लड़कियाँ। मैं एंटर करने लगा, एएसए ने ना मुझे ऐसे कर दिया और मैं इतनी बकवास बात की वहाँ पे, मैंने एएसए से उखागा, अंकल तुसी मैनू हाथ किवें लाया, मारा उन्हें डंडा पा लिया मैनू जीभ च, कहिंदा चल थाने। तो ये बात हुई थी। नेक्स्ट, रोशनदीप सिंह, व्हाट्स योर हाइट? 5.4। व्हेन यू विल डू क्लैब विद बियर बेसेस? भाई बहुत जल्द। 3, व्हिच फोन यू आर यूजिंग नाउ? आईफोन एक्स एंड ऑनर 6X। व्हाट्स ऑन योर फोन पे वीडियो बनाओ? भाई मैं भी कुछ ऐसी वीडियो बनाने की सोच रहा था, बनाई भी थी लेकिन अपलोड नहीं की, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं आप लोग पसंद करोगे या नहीं करोगे। नीचे कमेंट करके बता दो कि डू यू वॉन्ट अ वीडियो कि मेरे फोन में क्या सीक्रेट्स छुपे हुए। नेक्स्ट, ऋषि मेरा भाई, आप लिप्स पर क्या लगाते हो, वो इतने रेड कैसे लेते हैं? भाई मैं कुछ नहीं लगाता, बस इन लिप्स को दूसरे लिप्स के साथ लगाता हूँ। मेरा क्यों इन्हें ऐसे ही होगा यार, कोई सीरियस नहीं मिलेगा आपको, मैंने इसलिए आपको बोला था कोई मैं सीरियस नहीं। नेक्स्ट है हमारा अलोक गुप्ता का, टेल अस अबाउट द फनी इंसिडेंट यू फेस इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो फनी इंसिडेंट आई फेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर याद किया जाए तो एक बार क्या हुआ था, मैं कहीं पे काम कर रहा था और बंदे ने बोला कैन यू प्लीज टर्न ऑन द, हमारे हिसाब से जो क्या कहता है, एकोन के गाने हमने सुने ही सुने हैं, राइट, एकोन एकोन, राइट। और जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ पे बंदा बोला कैन यू प्लीज टर्न ऑन द एकोन प्लीज, और मुझे लगा कि वो बोल रहा है कि एकोन के गाने लगा दे, और वहाँ पे एयर कंडीशनर को एयर कॉन बोलते हैं, सो एयर कॉन, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द एकोन प्लीज, और यार ने थोड़े ने एकोन के गाने लगाते, दैट वॉज अ फनी इंसिडेंट। अगला, हिमांशु भगत, भाई आपका कोई और यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ भाई, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वो पंजाबी में है, वो व्लॉगिंग चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत ही फाड़ व्लॉग्स आ रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? JALEBI, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ कुमार का, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? भाई क्रिकेट, फेवरेट एथलीट ऑलवेज मिस्टर धोनी।
नेक्स्ट है टेक्निकल रोशन भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में क्या बिजनेस करते थे, आपकी क्या सब्जेक्ट ली हुई थी? भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस नहीं करता था, मैकडॉनल्ड में जॉब करता था। और क्या सब्जेक्ट ली हुई थी? भाई मैंने ऑटोमोटिव स्टडीज ली हुई थी। नेक्स्ट है हमारा युवराज सिंह सरदार जी का, पाजी फर्स्ट गर्लफ्रेंड एट व्हाट एज एंड हु वाज शी? पाजी जहां तक मुझे याद है 8th क्लास, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा। नेक्स्ट है हमारा मेटलोड गेमिंग का, आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? भाई मैं 10th तक बहुत होशियार होता था, लेकिन +1 +2 में आके मुझे हवा लग गई थी। योर हॉबी? मेरी हॉबी भाई, मेरी हॉबी 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 मेरी जो हॉबी है चिड़ना। अगला है ए प्रिंस का, आपका मंथली इनकम कितना है? बॉस लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। भाई एग्जैक्ट मंथली इनकम तो नहीं बता पाऊंगा, अगर आप वैसे बोलो तो 5 figures है, लेकिन भाई उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी उतने ही हैं। नेक्स्ट है हमारी फेवरेट फूड, भाई मेरी कितनी कोई खास इतना फेवरेट फूड वाला सिस्टम है नहीं, जो दोगे वो खा लाएंगे, यानी कि जो दोगे वो खा लेंगे, बट वो बात अलग है कि मुझे सूप कोई भी पिला दो, हालांकि वो फूड में नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा फाइनल सॉल्यूशन का, चैनल का नाम बी कैंड कैसे पड़ा और किसने रखा था? भाई चैनल का नाम बी कैंड एक इंस्टेंट ही आया था, बिकॉज हम जब भी पंजाबी में किसी चीज की तारीफ करनी होती है हम बोलते हैं बहुत ही कैंट है यार, सो बी कैंट, कैंट मीन्स ऑसम, और रखा किसने था? ये मैंने ही रखा था, और जिस दिन मुझे ये नाम आया था मैंने उसी दिन इसका डोमेन ले लिया था। नेक्स्ट है हमारा नूब गेमिंग, ब्रो हाउ डू यू गेट द आइडिया टू स्टार्ट दिस चैनल? बस भाई पंगे ले रहे थे और गलती से स्टार्ट हो गया। डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज इन स्टार्टिंग? हाँ भाई ये मेरा 4th चैनल है, इससे पहले 3 काम नहीं किए। नेक्स्ट हमारा बचपन सब तो वड्डा पुट्ठा काम की कीता थी? भाई मुझे ऐसा तो कोई याद नहीं कि मैंने सबसे बड़ा उल्टा काम क्या किया था, लेकिन मुझे एक चीज़ याद है जो मेरी माता श्री मुझे बोलता है कि एक बार मैं किसी शादी पे गया था और वहाँ पे मैं हो गया गुम, और सारे रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं कि ऋषि कहाँ है, ऋषि कहाँ है, और जब मेरी माता श्री से पूछा हाँ ऋषि पता है कहाँ है, और मेरी मम्मी वो डांसरा वाली स्टेज दे कोल खड़ोता है, सारे वहाँ पे देखने के और मैं वहीं पे खड़ा। नेक्स्ट है हमारा अभिषेक चमोली, 12th की परसेंटेज बता दो। आई नो कि वो मायने नहीं रखती, बट मेरे भी एग्जाम है तो पूछ लिया। भाई मेरे 12th की परसेंटेज है 69%, अब 69 से किसी ने जज नहीं करना। ओके भाई हल्का होने में कितना टाइम लगता है? भाई डिपेंड करता है कि मोबाइल साथ लेके जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारा अभिषेक तिवारी का, भाई आपने बोला था मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हुए हैं, कभी उस पर भी वीडियो देखने को मिलेगी क्या? हाँ भाई बनाएंगे, बट राइट नाउ अभी सही टाइम नहीं है वो वाली वीडियो बनाने का, लेकिन इस चीज़ के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे किसी टाइम जब मुझे थोड़ा सही लगेगा। अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस और बगचौधी, भाई बेस्ट एक्सपीरियंस तो बहुत है। बगचौधी क्या है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका नया नया ब्रेकअप हुआ था और बेचारा सैड था, और हम मूवी देख के बाहर निकले थे, तो हम स्पेशल उसकी गर्लफ्रेंड के घर गए और उनके कूलर में जाके करके आए थे 15 sector। नेक्स्ट है हमारा अंकित कुमार का, भाई एक बात बताओ कि आप हमेशा कैप क्यों लगाते हो? भाई इसके पीछे पूरी कहानी है जो मैं ऑलरेडी चैनल पे बता चुका हूँ, और अभी बाल छोटे हैं इसलिए कैप लगा रहा हूँ, लेकिन जब बालों की पूरी ग्रोथ हो जाएगी तो आप बिल्कुल खुले शेर की तरह आएंगे। नेक्स्ट है विजय कुमार, आप वीडियोज में अपने एक्सपीरियंस को बताते हो या किसी और का? भाई वीकेंड पे जो भी बातें होती है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होती हैं, और इसीलिए जो वीडियोज में वो टच बनता है ना आपके साथ, वो एक हार्ट टू हार्ट टच बनता है। नेक्स्ट है हमारा सोमू बैग का, भाई शादी कब है तेरी? भाई घर वाले पूरे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, कभी भी तुम्हारा भाई सूली लटक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओम चौपड़े का, भाई फुद्दू शहरी कहाँ गई प्लीज बता दे। भाई फुद्दू शहरी को एक अब सही तरीके से पेश किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि हम इस फुद्दू शहरी को पूरे हाई लेवल पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा गेमिंग आरिका, भाई आपकी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड थी और आपकी गर्लफ्रेंड आप कैसे मिले, शॉर्ट लव स्टोरी बताएं। भाई आज तक कितनी गर्लफ्रेंड थी ऐसा तो अभी मैं काउंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड आप बताएं कैसे मिले, शॉर्ट लव स्टोरी मिले कैसे? भाई एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात तो। नेक्स्ट है हमारा कुछ भी का, जस्ट हाउ टू बी फ्रेंडली विद एवरीवन जस्ट लाइक यू माई ब्रदर। भाई जैसे तुम रियलिटी में हो बस वैसे ही रहो, जिसने तुम्हारा दोस्त बनना होगा अपने आप बन जाएगा, अगर फोर्स करोगे कि वो बंदा मेरा दोस्त बन जाए नहीं होगा। जस्ट अपने आप को जैसे तुम सच्चे दिल से खुद के साथ हो वैसे ही अपने आप को दूसरों पे रिप्रेजेंट करो, अपने आप यारी पड़ती है, और मैं यही ही करता हूँ। जैसा मैं रियल में हूँ वैसा ही मैं वीडियोस पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसा अगर मैं किसी इवेंट पे जा रहा हूँ तो वहीं पे भी आप वही हंसी मजाक करते हैं, यारी अपने आप डल जाती है।
नेक्स्ट है हमारा सौरभ ठाकुर का, भाई सबसे फुद्दू क्वेश्चन कौन सा है जो आपसे पूछा जाता है, वो है भाई कि आपकी हाइट कितनी है। ये मुझे सबसे, हालांकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे फुद्दू लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से हाइट इतनी मैटर नहीं करती, चाहे तुम कोई भी दुनिया की फील्ड में हो, इसलिए मुझे क्वेश्चन वो फुद्दू लगता है। हालांकि ये मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि भाई आपकी हाइट कितनी है। नेक्स्ट है हमारा दीपांशु कपूर का, भाई आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ऑन स्टाइलिंग, मैं बहुत स्किनी हूँ, आई लाइक बीइंग अ बिट स्किनी, एक वीडियो स्किनी मैन क्लोथिंग फिटिंग पे बना दो। भाई स्किनी मैंस के ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बी कैन चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे जाओ, वहाँ पे आपको स्किनी बॉयज के ऊपर एक पूरी वीडियोस डिटेल में मिलेंगी, उसके अलावा उन वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा केशु केशव का, वीर बी कैन के स्टार्टिंग के फर्स्ट डेज में क्या फील हुआ था। भाई शुरू शुरू में क्या था कि बी कैन हमारा चौथा चैनल था, तो शुरू शुरू में तो बस जुनून होता था वीडियोस बनाने का, लेकिन फिर क्या हो गया, वीकेंड में ना बहुत जल्दी एक बूम आ गया था, जिससे वीकेंड बहुत जल्दी ग्रो हो गया था, देन उसके बाद सारी कहानी अपने आप सेटिंग होती गई। नेक्स्ट है हमारा हरनूर पानेसर का, घूमते फिरते तो रहने हो, कभी मीटअप भी कर लिया करो ब्रो, अब यही चीज़ें आएंगी, मीटअप भी बहुत जल्दी आया करेंगी, जो CBSE वालों के एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया। नेक्स्ट है हमारा राजा बसा का, भाई आप पबजी खेलते हो। नहीं भाई, आई एम नॉट गेमिंग पर्सन, मुझे सिर्फ रेसिंग वाली गेम्स पसंद है, और अगर मैं गेमिंग पर्सन होता तो अभी तक मेरा गेमिंग के ऊपर चैनल बन चुका होता। नेक्स्ट है हमारा नब राजपूत का, इतने से ये सब कैसे कर लिया। भाई छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ और जो तुम्हारा बड़ा गोल है उसकी तरफ बढ़ते जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट्स योर अनोइंग हैबिट व्हिच यू वांट टू चेंज। भाई मैं उंगलियों के पटाखे बहुत मारता, ये मुझे चेंज करना चाहता हूँ, मेरी माता भी बहुत डांटते हैं इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारा जे सोनम बाजवा, तानू आई लव यू बोले तो तुहाडा रिएक्शन की होगा, सच्ची सच्ची बताना, बस ओ तुहाडे भरा दा आखिरी दिन होगा। भाई आप इतने खास क्यों, भाई मैं कोई खास वगैरह नहीं हूँ, बस मैं जैसा रियल लाइफ में हूँ वैसा ही मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो अलग बात है कि आपको खास लगता है। अगर मुझे फेस टू फेस भी मिलोगे ना तो मैं आपसे ऐसे ही बात करूँगा जैसे दो यार आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई कभी पोन देखते हुए पकड़े गए हो। भाई ऐसे कोई पोन देखते हुए मैं नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक बार मेरे पिताश्री ने मेरे मोबाइल में मैसेजेस पकड़ लिए थे। नेक्स्ट हमारा, एनी इंसिडेंट इन लाइफ यू फील गिल्टी फॉर। इंसिडेंट इन लाइफ आई फील गिल्टी फॉर, मुझे कोई लग नहीं रहा कि यह जा कोई इंसिडेंट है जिसके लिए मैं गिल्टी हूँ, नहीं यार ऐसा कोई इंसिडेंट हैगा नहीं, बिकॉज मैं हमेशा लाइफ नू ऐ लेता कि आई टेक एवरीथिंग एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, तो वो तो लर्न करके आप अगे बधी दे, सो दैट्स वाई देर इज नथिंग इन माई लाइफ फॉर विच आई फील गिल्टी। भाई अगर सोनम बाजवा से मिलना हो जाए तो पार्टी बन दिया, भाई जिस दिन मिल गई मैंने तेरा नाम नोट कर लिया उस दिन पार्टी, सिर्फ तेरे को नहीं, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालूंगा कि स्टोरी पे क्या डालूंगा, पूरी व्लॉगिंग चैनल पे वीडियो आएगी, वीकेंड पे वीडियो आएगी, आप सबको पता चल जाएगा पार्टी जिथे कहोगे। भाई क्या रोज कंडीशनर यूज कर सकते हैं। हाँ भाई कंडीशनर आप रोज यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशनर लगाने के दो तरीके होते हैं। एक कंडीशनर लगाने का तरीका होता है कि कंडीशनर लगाने के बाद आप उसे दोबारा धोते नहीं, आप उसे वैसे ही रहने देते हो, और दूसरा तरीका होता है कि आप उसको जब हम नहा रहे होते हैं पानी में मिक्स करके देन लगाते हो, देन उसको धो लेते हो। अब इसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी कि कौन से हेयर टाइप्स को किस तरह के शैम्पू कितने दिन यूज़ करना चाहिए, किस तरह कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर वीडियो बहुत जल्दी आएगी, इसी महीने आएगी। बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस मंथ, भाई इस मंथ की बेस्ट मोमेंट जब मैं स्टेरकॉन एशिया के पैनल में बैठा था और जहाँ पे हम अपने वीकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। व्हाट लुक्स मोर बेटर, सिक्स पैक और वेल ड्रेस्ड, ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। आपके सिक्स पैक और अपनी अच्छी तरह अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहने कोई फायदा नहीं है उसका। ऑन अदर हैंड अगर आप चाहे फैटी भी हो चाहे स्किनी हो जैसे भी हो और आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता है और आपने उस हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है वो होगा आपका अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बैटिंग करना। बाई द वे लव यू आ विरे विरे तानू सारे नू लव यू। टेंथ बोर्ड के मार्क्स, भाई टेंथ बोर्ड में मेरे मार्क्स आए थे 83 के आसपास। आपकी टिकटॉक वीडियो जो सरी यूनी ने अपलोड की थी वो डिलीट करवा दी या नहीं, कितने भरा साड़ी कितने चल रही है, तुसी रिपोर्ट कर दो वाली वीडियो जाके रिपोर्ट करनी है वाली वीडियो, आपा वाली वीडियो डिलीट करवानी है।
कॉलेज में आपकी अटेंडेंस कितनी थी भाई? जो मेरा सारा कॉलेज का टाइम बीता है वो बीता है ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे मेरी अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी थी क्योंकि यार के डॉलर कमाने में बिजी होते थे। इतने क्रिएटिव हैक्स कहाँ से लाते हो भाई? बस खुराफाती दिमाग चलाते हैं, वो क्रिएटिव हैक्स अपने आप क्रिएटिव बन जाते हैं। तो ये था हमारा Q&A वीडियो जो मैंने ऐसे ही बहुत ही कैजुअली बना दिया। कैसा लगा वो बता देना, और जिनके आंसर हम नहीं दे पाए उनके आंसर अपने एपिसोड 4 में देंगे। सो दिस इज बी कैंड, डोंट फॉरगेट टू बी कैंड। मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा साइनिंग ऑफ, और अभी टाइम हो रहा है 3:00, इसीलिए मेरी आंखों में नींद भरी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में।